सभी भाइयों को सुरेंद्र सनसनीवाल की तरफ से नमस्कार। सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो एक और वीडियो लेके आ रहे हैं गाय की। आज की वीडियो में आप देखेंगे बहुत सारी अपनी भारतीय नस्ल की गाय और कुछ विदेशी नस्ल की भी गाय हैं, जिसमें जर्सी क्रॉस या HF क्रॉस ब्रीड की गाय हैं। ये वीडियो हम हिसार ज़िले से लेके आ रहे हैं। हिसार ज़िले में बहुत सारी वीडियो, मैं कहूँगा बहुत सारे फार्मों की वीडियो अपने चैनल पर आती रहती हैं और बहुत सारे ग्राहक, चाहे वो भैंस लेने वाले हों चाहे वो गाय लेने वाले हों, इस एरिए में भाइयों का तांता लगा रहता है पशु लेने वालों का। तो आज की वीडियो में भी देखेंगे बहुत सारी गाय हैं, भैंसे हैं, भैंस नहीं है सॉरी, गाय हैं, और जिसमें दोनों तरह की गाय हैं, भारतीय नस्ल की भी और जो है विदेशी नस्ल की भी। भाई साहब से बात करेंगे, डिटेल से जानकारी लेंगे। बताना चाहूँगा डाबड़ा गाँव से हम ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं और डाबड़ा गांव बिल्कुल मेरे ख्याल से हिसार के अंदर ही है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। भाई साहब सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। भाई साहब शंकर नाम है जी मेरा, शंकर ताखर। शंकर ताखर। तो भाई साहब हिसार से कितने किलोमीटर अपना गांव ये? हिसार से भाई साहब 4 किलोमीटर है जी अपना गांव। 4 किलोमीटर। और हिसार से जैसे कि अपनी डेयरी 6.5 किलोमीटर पड़ती है जी ऑन रोड, बिल्कुल तो शाम रोड पे। तो शाम रोड पे हिसार से 6.5 किलोमीटर है। 6.5 किलोमीटर आगे इंडेन का पेट्रोल पंप आएगा, जिससे 2 किले आगे ही अपनी डेयरी। इंडेन का पेट्रोल पंप कितने 2 एकड़ आगे है? हाँ उससे 2 एकड़ आगे है जी अपनी डेयरी। ठीक है ठीक है। और उसके साथ ही लगती डेयरी है भाई साहब की ऑन रोड पे डेयरी। ऑन रोड देखना चाहेंगे गाय, बहुत ही बढ़िया। तो भाई साहब गाय का काम करते हो या भैंस का भी करते हो? गाय का करते हो। तो गाय की बिक्री आपकी कहाँ की है, कहाँ बेचते हो गाय? लोकली बिक्री है जी अपने। लोकल में बिक्री है सारी। तो बाहर नहीं भेजने का सिस्टम है? ना जी बाहर भेजने का सिस्टम बनाना भी नहीं है। करना भी नहीं है बाहर का? ना ज़्यादा नहीं है जी अपना, यहीं का रुझाना है अपने एरिया में पशु। ठीक है ठीक है। तो भेज देंगे हरियाणा नस्ल की, जो अपनी ये हरियाणा की देसी गाय है, ये नहीं भेजेंगे बाहर। अच्छा, बाहर का कोई भाई फोन भी ना करे चाहे? ना इनके लिए ना ही करे चाहे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कितने साल हो गए भाई साहब इनका काम करते हुए? 5 साल हो गए जी भाई साहब। 5 साल हो चुके हैं। तो इधर एक नंबर से जो गाय है उसके बारे में बताना, ये कितना दूध दे रही है, कितने पैसे की है ये? भाई साहब थर्ड लैक्टेशन में है। हाँ हाँ। ये अभी 6 महीने या बना है, 8 किलो दूध दे रही है। ताजी ब्याई में 17 लीटर दूध देती है। अच्छा अच्छा, खोल के चलाना है इसको, फिर बेचनी अभी है? नहीं अभी नहीं बेचनी जी, आगे गांव पे बेचनी है। 6 महीने की गाबिन अभी 8 किलो दूध दे रही है। 8 किलो दूध दे रही है, अभी बच्चा इसका मर गया फिर भी दूध देती है। 6 महीने की ब्याई हुई 8 किलो दूध दे रही है, देखिए बहुत ही बढ़िया, बिना बच्चे के बहुत ही शानदार गाय हरियाणा नस्ल की। और जैसा कि भाई साहब कह रहे थे पीछे पीछे कि बहुत सारे भाई कहते हैं हरियाणा नस्ल की गाय दूध नहीं देती, जो भी भाई फार्म पे पहुंचे मैं कहूंगा 2 टाइम भाई के यहाँ रुकना हो तो दूध दूध जरूर देखें भाई साहब के पास इस गाय का, जो कि कह रहे हैं कि 8 किलो दूध दोनों टाइम में आज भी दे रही है और 6 महीने की प्रेग्नेंट है और ताजी ब्याई ने 16-17 किलो दूध दिया है। तो बहुत बड़ी बात, एक किस्म से ये कह सकते हैं हम, 16-17 किलो दूध ताजी ब्याई हुई गाय का देना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इससे आगे एक और, ये वाली कौन सी नस्ल है जी? ये भी हरियाणा है भाई साहब। हरियाणा है। तो ये कितना दूध दे रही है? इसके अभी दूध है जी 12 लीटर तैयार। 12 लीटर अभी तैयार दूध है, चौथे दिन की ब्याई है। 4 दिन की ब्याई में 12 लीटर। तो कितना दूध निकालेगी भाई साहब ये? 15 लीटर दूध दे रही है। 15 लीटर। इसकी कीमत क्या रखी है जी? इसकी कीमत 42,000 रुपये। 42,000 रुपये कीमत रखी है। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शांत और शरीफ दिखाई दे रही है हरियाणा नस्ल की गाय, 15 लीटर दूध देने वाली, कीमत मात्र 42,000 रुपये। और पहली बार ये जो डेयरी फार्म है भाई का अपने फार्म पे ऐड और अपने चैनल पे ऐड हो रहा है, आप देखिए जितने भी नए फार्म जितने भी ऐड होते हैं लगभग सभी के सभी भाई बहुत ही रीजनेबल रेटों के पशुधन अपने ग्राहकों तक उपलब्ध करवाते हैं। और कोई भाई नया काम करता है तो मैं कहूँगा जायज़ रेट का काम करेंगे तो ही लंबे चलेंगे। इससे आगे ये भी हरियाणा भाई, नीचे भी बछड़ी है दोनों के। अच्छा, ये दोनों जो ब्याई हुई है इनके नीचे बछड़ी है, हरियाणा नस्ल की प्योर बछड़ी है। ठीक है ठीक है। ये भाई कौन से, खोलना भाई इसको भी? ये भी तीसरी लैक्टेशन में, तीसरे ब्यात की है हरियाणा नस्ल की और नीचे बछड़ी भी, दोनों गायों के पीछे बछड़ी भाई साहब ने हमें बताया। तो ये कितना दूध दे रही है भाई साहब? इसके 12 लीटर दूध है सुरेंद्र भाई, ये खीस से खाली करी है। खीस से खाली करी है 12 लीटर दूध अभी तैयार है।
इसकी कीमत क्या रखी है जी? कितनी जी? 40,000 रुपये। 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये कीमत रखी है। ये भी बहुत ही शांत और शरीफ, और अभी कोरोना काल में मैं कहूँगा गायों की डिमांड भी मेरे ख्याल से काफ़ी गुना बढ़ चुकी है, और प्योर हरियाणा तो नहीं दिखाई दे रही भाई साहब ये, जैसे कि सिंगों से ऐसा लग रहा है, जैसे थोड़ी जो बड़े सिंगों वाली गाय होती है। तो भाई साहब ये थोड़ी राजस्थान की है, वहाँ सिंगों में रस्सी डाल देते हैं, ये तो बड़ी जाते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, राजस्थान की है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कोरोना काल में गायों की और गायों के दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा, और जो मेट्रो सिटी हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, वहाँ तो मैं कहूँगा लगभग 100-150 रुपये किलो दूध गाय का जाता है। लेकिन वो देखने वाले भाई जो वीडियो देख रहे हैं मेट्रो सिटी से हमारी, मैं बताना चाहूँगा उसमें देसी नस्ल की गाय का दूध ना हो के लगभग जो है विदेशी नस्ल की गाय का दूध होता है। इससे आगे ये वाली भाई साहिवाल, ये साहिवाल ब्याई हुई है ना जी, एक हफ्ता बाकी है इसका। खोलना भाई इसको भी, एक हफ्ता बाकी है। कितने दूध देने वाली है जी, कौन सी बार बच्चा देगी? चौथी बार बच्चा देगी, तीसरी लैक्टेशन में 17 लीटर दूध दिए। अच्छा, पिछले साल 17 लीटर दूध, तीसरे ब्यांत में, अभी चौथी बार बच्चा देने वाली, कितने दिन बाकी बताए? एक हफ्ता बाकी है। एक हफ्ता, क्या कीमत रखी है जी इसकी? इसकी कीमत 45,000 रुपये। 45,000 रुपये, ये देखिए। गाय को रखना बहुत सारे भाई पसंद करते हैं, क्योंकि गाय का दूध भी ज़्यादा पौष्टिक होता है, और साथ ही रेट भी बहुत रीजनेबल रेटों की गाय आपको देखने को मिल जाएंगी। और जैसा कि भाई साहब ने हमें बताया, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की। भाई साहब, कोई ऐसी गाय भी आ जाती है जो कि चाहे लाख सवा लाख रुपए की हो, लेकिन हो बहुत ही शानदार शो क्वालिटी की, कोई आ जाती है ऐसी भी? आ जाती है भाई साहब। अच्छा। वो गाय दें या बताएं आपको, एक नंबर पे जो है अपने घर की गाय, हाँ हाँ, वो जिस टाइम तैयार होगी उस टाइम दिखाएंगे आपको, ठीक है? उसके पिछले साल 1,25,000 रुपये लगे भी थे। अच्छा अच्छा, किसने लगाए थे भाई साहब? पुन्ना एक ग्राहक थे जी, हाँ हाँ, सात करोड़ का है नसीब, हाँ हाँ हाँ, उनके साथ थे पुन्ना एक कोई ग्राहक, उन्होंने लगाए नसीब मुच्छल के साथ। हाँ जी हाँ जी, फिर अपन ने तो उस टाइम भी सेल नहीं करनी, ये वाली भाई साहब कौन सी नस्ल है? ये राठी है भाई साहब, राठी मिक्स। राठी मिक्स है जी, या प्योर राठी साहिवाल मिक्स? साहिवाल मिक्स है, शरीफ सूती गाय है। ये कितना दूध दे रही है जी? इसके 10 लीटर दूध दे रही है। अच्छा, तो इतना ही रखेगी या कुछ बढ़ाएगी? भाई साहब को किलो आधे किलो बढ़ाई बढ़ाई नहीं तो इतना ही मान, 10 ही मान के चले। क्या कीमत रखी है जी इसकी? 22,000 रुपये। 22,000 रुपये, 22,000 रुपये में देखिए 10 किलो दूध मिल रहा है, बहुत ही शरीफ और शांत मेरे ख्याल से, शरीफ बहुत है। और भैंस अगर आप खरीदने जाएंगे तो इस रेट में कभी भी आपको नहीं मिल सकती। गाय की कदर मैं कहूँगा बहुत कम, अब धीरे धीरे जो है क्रेज गाय का बढ़ने लगा है, तो हम आगे इन फ्यूचर देख पाएंगे गायों का भी रेट ज़्यादा होते हुए भैंसों की तरह। 22,000 रुपये में 10 किलो दूध की गाय, बहुत ही रीजनेबल, इससे सस्ता तो मैं कहूँगा भगवान का नाम ही है, वो बिल्कुल फ्री में मिलता है। इससे आगे फिर ये भाई एचएफ क्रॉस ब्रीड, ये कितना दूध दे रही है? ले आओ भाई, ये भाई साहब तीसरे दिन की वेरी है, अभी इसके 18-19 लीटर दूध तैयार है, तो मेरे ख्याल से 18-19 की जगह 20 दे देगी, इतना ही करेगी। 20-22 लीटर दूध तो देगी, क्योंकि ये 3-4 दिन की 5 दिन की ब्याई हुई पीक पे चले जाते। तो इसकी क्या कीमत रखी है? ये तो भाई साहब सेल कर रखी है। कितने की दे रखी है जी ये? मात्र 38,000 रुपये की। 38,000 रुपये की। कोई भाई अगर इस तरह की गाय आपसे लेना चाहे तो आप इसी रेट में 38-35 में दे देंगे? 40 के अंदर के रेट में दे देंगे। 40 के अंदर के रेट में 20 किलो दूध की एचएफ क्रॉस ब्रीड की गाय भाई साहब अपने ग्राहकों को उपलब्ध करवा देंगे। इससे आगे देखिए, थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही है क्या? नई नई गाय गाड़ी में सुना है गर्म भी हो जाती हैं, इधर लेना जी। तो ये कितने दूध वाली है जी? ये भी भाई साहब इसके सुरेंद्र भाई साहब 18 लीटर दूध तैयार है। 18 लीटर दूध तैयार है। ये किस कीमत की है? ये भी 40,000 रुपये की देंगे। ये भी 40,000 रुपये की, ठीक है। ये भाई साहब एचएफ देसी मिक्स होगी थोड़ी बहुत, है देसी क्रॉस की थोड़ी। हाँ हाँ हाँ, इनका जैसे ये जो 20-20 किलो दूध की गाय है, कभी आपने फैट भी निकलवाया है मशीन से? फैट तो भाई साहब लगता है इनका डेली आ जाता है, इनका तो आ जाता है 4 के लगभग, अपने जो हरियाणा नस्ल है उनका अच्छा आता है। अच्छा अच्छा, हरियाणा का कितना आता है? उसका तो 6 से ऊपर ही रहता है, 60 फैट से। 60-6 फैट से ऊपर, और इनका 4 से ऊपर। बहुत बढ़िया भाई, 4 भी बहुत बढ़िया है। फैट क्रॉस की 4 दे देती हैं, प्योर तो मेरे ख्याल से 3 के आसपास रह जाती हैं। ये वाली भाई साहब बछिया, हाँ हाँ, ये तो ब्यास पे सेल करनी है, अभी 6 महीने या बड़ा।
छः महीने की, पाँच महीने ही है, दठे में लगी है। बहुत सारे भाई गाभिन बछड़ियाँ भी लेते हैं भाई साहब, बछड़ी लेते हैं तो सेल भी कर देंगे। हाँ तो कीमत क्या, कीमत बताइए आप। कीमत 15,000 रुपये। 15,000 रुपये छः महीने की गाभिन बछड़ी, कीमत मात्र 15,000 रुपये। बहुत ही बढ़िया भाई, क्रॉस की गाय है जी, दूध इसकी मांगे बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, सिस्टम भी बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, तो भाई साहब जैसे 15,000 की ये बच्ची आप दे रहे हो, ब्याज पे कितने की बिकेगी? ब्याज पे तो भाई साहब 50,000 अच्छा बनाएगी नीचे सिस्टम। अच्छा 50,000 की भी बिक जाएगी। बिल्कुल। तो आपने कितने की खरीदी होगी भाई साहब, ये अपने घर की है? ये अपने तो जी घर की है। अच्छा अच्छा, तो 15,000 में तो कैसे तैयार होती हैं भाई साहब इतनी बड़ी बड़ी बछड़ियाँ? भाई साहब अपने एक दो बच्चियाँ पहले अपने आपने 10 बच्चियाँ दी भी थी। अच्छा हाँ, क्योंकि रेट बहुत ही कम। प्रेग्नेंट तो होगी ना कन्फर्म? प्रेग्नेंट है जी, 5 महीने ही प्रेग्नेंट है। 5 महीने की 100% बिल्कुल चेक चेक हो रही है, चेक हो रही, दोबारा भी करा सकता है। ठीक, तो भाई साहब मोबाइल नंबर क्या देना चाहेंगे जो भाई का ये आपसे लेना चाहे? 97284। हाँ हाँ, 93043। 97284 93043। 93043 एक ही नंबर देना है? 98120। हाँ हाँ, 02842। 02842 ठीक है, ये दो नंबर देने हैं। हाँ जी, शंकर ताखर नाम है जी। शंकर ताखर, डाबड़ा गांव और हिसार से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे डेयरी फार्म। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो ये देखिए आज की वीडियो, हम गाय की वीडियो लेके आए। बहुत सारे भाइयों की डिमांड होती है, जो भाई भैंस नहीं लेते और गाय के ही शौकीन हैं, उनके लिए लगातार अपने चैनल पे गाय की वीडियो आ रही है। तो पसंद जो भाई गाय लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं भाई साहब ने, जैसा कि वीडियो में बताया अभी, दो टाइम आके दूध देख के निकाल के रहने की पूरी सुविधा इनके फार्म पे है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए जो भाई लेना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। जो गाय, जो पशु, जो गाय हो चाहे भैंस की वीडियो, जो बिक्री वाली जो भी वीडियो आती हैं, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करते हैं अगले ही दिन वीडियो अपलोड करने की, आप भाइयों तक पहुँचाने की। तो ये गाय जो लेना चाहते हैं भाई संपर्क कर सकते हैं, भाई साहब के कॉन्टैक्ट नंबर नीचे स्क्रीन में चल रहे हैं। जितने भी भाई हमारे साथ बने रहे एंड तक, सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।